आइए बात करते हैं। हमारे साथ शिवसेना की वरिष्ठ नेता सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका जी, लगातार ये चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी से सारे सबूत मांगे जाएंगे। उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि निराधार है, एक तरह से LOP की जो गरिमा है वो बनाए रखनी चाहिए थी। गरिमा बनाने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की गरिमा को ध्यान में नहीं दिया जब सरकार में थे और उनके पास बहुमत था, और उसी के चलते आज देश ने उनको बहुमत नहीं दिया है। जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे उसमें आप अग्निवीर की स्कीम को ले लीजिए, आप MSP को ले लीजिए। आज किसान आक्रोशित क्यों था कि MSP का वादा के साथ आपने वादा खिलाफी की है? आज युवा आक्रोशित क्यों है? अग्निवीर हो या नीट हो, वो आपसे आक्रोशित है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। महिलाएं आपसे दुखी क्यों हैं कि आपसे इन महिलाओं से इतनी बड़ी बड़ी वादे किए थे, आज उनको सम्मान भी नहीं दे पा रहे हैं। तो वो इसलिए देख रहा, आज मैं फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मैं खुद वहाँ पे थी, विजिटर्स गैलरी में मैंने स्पीच सुन रही थी, जहाँ सत्ता पक्ष ने शायद मन बना लिया है कि अब विपक्ष की भूमिका उनकी रहेगी, और कुछ महीनों की बात है उनको विपक्ष की बेंचेस जो संभालनी है उसकी जिम्मेदारी लेने की शुरुआत कर दी है। बार बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री आ रहे थे, अमित शाह जी बोल रहे थे, राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे, किरण रिजिजू जी बोल रहे थे, उससे स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार को अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे विपक्ष के साथ सच्चाई, जो विपक्ष सच्चाई बता रहा है, उससे डील किया है। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने भी ट्वीट करके कहा है कि राहुल गांधी को हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें पूरे हिंदुओं का कि वो हिंसात्मक हैं और हिंसा करते हैं अपमान किया। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी भी आजकल इनकी राजनीति का शिकार है भारतीय जनता पार्टी। इस बात में कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश आता है। रही बात हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म वो धर्म है भारतवर्ष में जिसने चार डिफरेंट रिलीजन्स को जन्म दिया है। भारतवर्ष वो है। हिंदू धर्म की सच्चाई क्या है? हिंदू धर्म की सच्चाई ये है कि प्रेम, सद्भावना, सम्मान के साथ जीने वाली है। जिस धरती ने चार रिलीजन्स को बर्थ दिया हो, वो हिंदू धर्म कितना सहनशील होगा एंड इंक्लूसिव होगा हम समझ सकते हैं। इन्होंने जो हिंदू धर्म लाने की कोशिश की, जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मॉडल ऑफ हिंदू धर्म है, जो इससे उनको लगता है उनको वोट मिलेंगे, वो नफरत फैलाने का है, वो हिंसा फैलाने का है। ये वो है जो कहते हैं मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, फिर कहते हैं मुसलमानों के मंगलसूत्र आपके खींच लिए जाएंगे, उन जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनसे पैसे ले लिए जाएंगे, आपके पैसे दे दिए जाएंगे। ये वो वाले लोग हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो कटाक्ष किया वो भारतीय जनता पार्टी के फेक पॉलिटिकल हिंदू नैरेटिव को किया, जो आज का जिसका सबक उनको अभी तक शायद समझ में नहीं आया है। जहां अयोध्या का नाम लेते लेते इनको लगा वोट मिल जाएंगे, आज अयोध्या जैसी धर्मभूमि ने भी उनको नकारा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे प्रियंका चतुर्वेदी ये कहते हुए कि राहुल गांधी जनता की बात कर रहे थे और शायद कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है अब विपक्ष की भूमिका में आ गया है, इसीलिए राहुल गांधी के भाषण पर तमाम मंत्री इतना तिलमिलाए हुए थे। मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।